नमस्ते फ्रेंड, द यूनिकॉर्न नर्सरी में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे कि कड़ी पत्ता की टहनी कैसे लगती है। कड़ी पत्ता डायबिटीज में लाभदायक होता है, डायरिया से बचाव करता है, बालों के लिए अच्छा होता है, संक्रमण से भी बचाव करता है। मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, इसकी कड़ी पत्ता के ये पत्तियाँ तोड़ लेंगे इस तरीके से। और हम इसको इस टहनी को काट देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने ये काट ली है। तो इस तरीके से इसके हम ये पत्ते निकाल देंगे। तो फ्रेंड, पत्ते हम कुछ इस तरीके निकालेंगे कि यहाँ से ही अंकुरित होगा, दूसरा पत्ता निकलेगा यहाँ से ही। तो हम इस तरीके से तोड़ देंगे। ये देखिए, इसी तरीके एक और तैयार कर लेंगे। कम से कम दो लगाएंगे, एक नहीं हुई तो एक तो लगी जाएगी। तो देखिए, इसी प्रकार से काटेंगे, इसको रहने देंगे, इससे अंकुरित होगा पौधा हमारा। और इसको भी हटा देंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने इनको हटा दिया है। तो हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे। ये लिया हमने गमला और अब हम इसमें इस तरीके से टहनी को थोड़ा खरोच लेंगे। और ये लेंगे एलोवेरा, एलोवेरा इस तरीके से लगाएंगे इसमें। इससे ग्रोथ अच्छे जल्दी से करेंगे और जड़ें भी जल्दी से निकलेंगी। और हम इस तरीके से गाड़ देंगे। टहनी हिलने नहीं चाहिए, अगर टहनी हिल गई तो ये नहीं निकलेंगी, इसके पत्ते नहीं निकलेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इसको भी हम गाड़ देते हैं। तो फ्रेंड, इसको इसके पत्ते निकलने में कम से कम एक महीना लगेगा। तो फ्रेंड, टहनी हमने लगा दी है, अब मिलते हैं इसके पत्ते निकलने के बाद। तो देखिए फ्रेंड, कड़ी पत्ता हमारा निकल आया है। इसकी टहनी एक ही उगी है, एक नहीं उगी है। तो देखिए, इस कड़ी पत्ते को एक महीना हो चुका है। फ्रेंड, कड़ी पत्ता बहुत ही लाभदायक है, आँखों के लिए, बालों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो देखिए फ्रेंड, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।